देखो जी, अब सबसे पहले तो ये है कि टेस्ट की खूबसूरती यही है, जिस तरह आपने कहा कि पहले दो दिन हमारी तरह से मुश्किल चले गए, क्योंकि हम यार जब हमने टॉस जीता तो हमने सिर्फ डिसाइड इसी के लिए किया था कि हम अर्ली ऑन विकटें ले सके। मगर आपको, आप सबके सामने कि जिस तरह हमने मतलब आपको हाफ चांसेस भी टेस्ट क्रिकेट में लेने पड़ेंगे ऐसे बड़े प्लेयर जैसे केन विलियमसन का, तो ये है कि उसको चांस मिले तो उस तरह उन लोगों ने सर्वाइव किया उस मुश्किल टाइम में, और फिर उन लोगों ने एक टारगेट सेट किया हमारे लिए। मगर अब उसके बाद हमारे लड़कों ने बहुत ही अच्छा कम बैक किया, हमारी बॉलिंग लड़कों ने काफ़ी अच्छे बॉलिंग की है, बैटिंग हमारे लड़कों ने काफ़ी अच्छी की है। मगर ये है कि ये एक प्रेशर गेम होता है, ये टेस्ट क्रिकेट एक प्रेशर गेम होता है, जिस तरह आपने देखा सुबह से लेकर हमने शाम तक सर्वाइव किया, एट दी एंड जो है ना प्रेशर पड़ा, एक विकेट गिरी, प्रेशर आया तो सारे जो है ना पाँच छः विकेट हमारे जो है जल्दी जल्दी क्लिप्स हो गई। मगर यही खूबसूरती है टेस्ट क्रिकेट की। देखिए जी, आप ऐसे नहीं कह सकते कि हमारी जो टॉप ऑर्डर है अल्हम्दुलिल्लाह ने हमेशा परफॉर्म किया हुआ है और इंशाल्लाह परफॉर्म करे भी आगे मैचेस में भी। हाँ, थोड़ी सी कंडीशन मुश्किल होती है, मगर मेरे ख्याल से नया बॉल जो ओपनर का काम ये होता है कि सी ऑफ करे और परफॉर्म करे फिर लंबा से लंबा स्कोर करे। मगर बहरहाल ये कोई ज़रूरी नहीं है, शायद आप यही है कि हमारी मेहनत में थोड़ी सी कमी हो, इस वजह से हमें थोड़ी मुश्किल का सामना पेश करना पड़ रहा है। मगर ये कि मैं तो हमेशा रिज़ल्ट मैं इस चीज़ पे रखता हूँ कि हमारी जितनी मेहनत होगी उतना रिज़ल्ट होगा। देखिए जी, अगर मैं ये कहूँ कि उनकी टीम अच्छी के लिए, ये तो हकीकतन वो अच्छी के लिए रिज़ल्ट उनके पास गया, मगर मैं ज़रूर अपनी टीम को भी क्रेडिट दूंगा, अपने प्लेयरों को क्रेडिट दूंगा, जिस तरह हमारी टीम के लिए अगर हम दोनों टीमें अच्छी ना खेलते तो ये आखिरी पाँच ओवर तक मैच ना आता। एक टेस्ट मैच आखिरी पाँच ओवर तक आना, इट मीन्स कि दोनों टीमें बहुत ही अच्छा खेली है। मगर फिर भी एट दी एंड आप क्रेडिट उस टीम को देते हैं, और अल्लाह पाक हमारा अल्लाह पाक भी इंसाफ ही करता है, वो इसीलिए करता है कि जो टीम सबसे ज़्यादा एफर्ट करती है ग्राउंड में रिजल्ट उसी के पास जाता है। तो मेरे ख्याल से उन लोगों ने काफ़ी थ्रू आउट जो है ना कल से मेहनत शुरू की थी, कहीं पे भी हिम्मत नहीं आ रहे, हमें कहीं पे भी इजी टाइम नहीं दिया, उन लोगों ने प्रेशर में रखा, मगर इसलिए अल्लाह पाक ने नाइंसाफ़ी तो अल्लाह पाक करता नहीं, इसलिए इंसाफ के बदतरू उसके क्रेडिट उनके हक में चला गया। हमारे लड़कों ने एफर्ट अच्छी की है, मगर शायद हमारी मेहनत में कमी हुई इसलिए मैच हमारे रिजल्ट में नहीं आया। देखिए जी, मैं तो पहला मुबारकबाद देता हूँ फवाद भाई को, जिन्होंने जो पेशे का पहला प्लेयर था जिन्होंने इतने टाइम स्पेंड किया विकेट पे, और उसके बाद अब यही है कि जो मेरी इनिंग्स हैं या उसकी इनिंग्स है, सिर्फ यही था कि हमने यही सोचा था कि जैसे मैं गया हूँ तो आज मैंने उसको यही कहा कि रन्स हमारे हम रन्स देन से निकाल लेते हैं, क्योंकि जिस तरह अर्ली ऑन विकेट गिरी है कल, मतलब हमारे ओपन आउट हो गए हैं सुबह, आज अजू भाई आउट हो गए, तो मैंने फौज भी को यही कहा कि सिर्फ जेन में आप लोगों के 300 बॉल मैंने खेल लें, 280-290 मैंने खेल लें, तो हमारे जेन में सिर्फ यही था, इसलिए फिर हमने ज़्यादा पैनिक नहीं हुए, हम लंबा चलते कि ना रन्स को सोचो ना बोर्ड का सोचा, सिर्फ प्लेन सिंपल रखा, अल्लाह पाक ने मदद की बहरहाल। मगर मेरे ख्याल में हमारी मेहनत कमी थी, इस वजह से हमारी विकटें उनको लेनी पड़ी, शायद सिर्फ मैं इसी चीज़ पर बिलीव करता हूँ कि हमारी मेहनत में कमी थी। देखिए जी, आप ज़रूर क्रेडिट देंगे नेल वेगनर को, जो उसकी टो जो है ना इंजर्ड थी, फ्रैक्चर था, वो कर रहा था, पूरे न्यूजीलैंड की आवाम को, पूरी न्यूजीलैंड की कौम को उस पर जो है ना फ़ख्र है, न्यूजीलैंड की कौम ने तो फ़ख्र करना ही करना है, हालांकि हमें ख़ुद भी इस चीज़ का हमें बहुत मज़ा आया कि जिस बंदे ने जिसके पाँव में फ्रैक्चर है वो कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से प्लेयर हैं जो फ्रैक्चर के साथ खेलते हैं, एफर्ट कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं, मगर आपके सामने है कि जिस बंदे ने कर दिया और तो ज़रूर आप उसकी जो है ना तारीफ़ जो है ना बजा है कि आप उसकी तारीफ़ करेंगे। और जहाँ तक क्राइस्टचर्च की बात है तो स्टिल सीरीज़ ऑन है अभी, और हमारे लड़के अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट है, और जिन 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 पे रन्स ड्यू है इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो अगले मैच में रन्स करेंगे, इंशाल्लाह अगला मैच जीतेंगे अल्लाह के हुक्म से, सीरीज़ बराबर करेंगे।